god of adventure activities. And there is one thrilling adventure sport that you cannot miss in Rishikesh, and that is river rafting in the holy Ganga River. हेलो गुमक्कर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ट्रैवलिंग सेफली। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको अपना पूरा रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस, और उसी के साथ साथ हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको एक सक्सेसफुल रिवर राफ्टिंग करने के लिए ज़रूरी है। ऋषिकेश इंडिया की राफ्टिंग कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर आपको गंगा रिवर के क्रेजियस्ट रैपिड में राफ्टिंग करने का एक्सपीरियंस मिलता है। और जहाँ एडवेंचर हो वहाँ हम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस इस बार वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू इट फॉर रियल। तो फिर हमने शुरू करी दिल्ली से ऋषिकेश तक की अपनी जर्नी, और इस बार हमको ज्वाइन कर रही है हमारी फ्रेंड नंदिनी, जो आपको हर वीडियो में दिखी जाती है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में हमारे साथ ही होती है। जब मुझे पता लगा ना हम राफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो मेरी खुशी का जो ठिकाना है ना, वो लाइक कौन से लेवल में था मुझे भी नहीं याद। तो सबसे पहले सुबह सुबह ऋषिकेश पहुंच के हमने स्टार्ट करी अपनी राफ्टिंग की सर्च। तो उसके लिए आपको तपोवन मार्केट में सर्च करनी पड़ेगी, जो आपकी बजट फ्रेंडली दुकान है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। और ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो बस हमने भी अपनी सर्च स्टार्ट करी, और 3-4 घंटे पूरा मार्केट घूमने के बाद हमें मिली अपनी परफेक्ट शॉप जो हमारे बजट में थी। वेटिंग एरिया में वेट करते हुए नंदिनी और मैं तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमें लग रहा था कि भाई कब हमारी गाड़ी आए और हम बैठ जाएं और पहुंचे अपने स्टार्टिंग पॉइंट और शुरू करें अपनी राफ्टिंग। एंड सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, जब हम लोग ना वहाँ पे बुकिंग करने गए ना, तो उन्होंने हमें दिया एक नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म, जिसको देख के जो आपकी होस्ट है ना रितिका, इसकी शक्ल बिल्कुल देखने लायक थी। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? गाइस हाउ आर यू फीलिंग? और उस फॉर्म में साफ साफ लिखा था कि अगर शराब पलट जाए, कोई मर जाए, तो उसकी जिम्मेदारी हम तो लेने नहीं वाले हैं। हर हालत रितिका जाना है, पर रितिका को जाना पड़ेगा। जस्ट फ्यू मिनट्स टू गो फॉर राफ्टिंग, ये मेरे को कर जाना है। वो इसलिए क्योंकि मेरी और पानी की ना कुछ खास बनती नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि हमें, पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि राफ्टिंग करनी है, बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअल में करने जा रहे हैं, तो मेरी ना हालत खराब हो चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। लिटरली मेरे को लग रहा था जब गाड़ी आई कि मैं बैकआउट कर जाऊँगी, रहने देती हूँ, बट इन लोगों ने ना मेरे से एक पैक साइन करवा रखा था कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा, और मेरे पास बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं था बिल्कुल भी। फाइनली हम जा रहे हैं अपनी राफ्टिंग की तरफ। रितिका एंड मयंक देखो सबसे ज्यादा एक्साइटेड बंदा है, और वो हमारी राफ्ट रही। तो हमारा इंतजार खत्म होता है और हमारी गाड़ी आती है, और उसमें बैठ के हम तीनों चले जाते हैं शिवपुरी, जहाँ से हमारी 18 किलोमीटर की राफ्टिंग शुरू होने वाली होती है। राफ्ट रही और इसमें हम मुर्गियों की तरह भर के जाने वाले हैं। बताओ बेटा। पदरी। मजा आने वाला है। और इस राफ्ट में हमारे साथ दो लोग और ज्वाइन करने वाले थे, जो कि देहरादून से थे, और उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था ये, तो हमारे से और मजा आने वाला था, क्योंकि हमारी राफ्ट में सारे बिगिनर्स थे। आप लोग भी एक्साइटेड हो? रुको, अभी आपको वीडियो में आगे भी पता चलने वाला है कि एक राफ्ट में जब 5 नूबड़े राफ्टिंग करने जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कि राफ्ट पलटती है कि या फिर एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, आगे आपको पता चलेगा। तो राफ्टिंग शुरू करने से पहले हमारे गाइड ने हमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि राफ्ट कैसे चलानी है, क्या क्या पोजीशन होंगी, और अगर आप लोग पानी में गिर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन आपको गाइड दे देते हैं। तो उसके बाद सीधे हम कूदे अपनी राफ्ट में, और वहाँ से शुरू हुई हमारे एडवेंचर की शुरुआत। गंगे मैया की, गंगे मैया की।
start the video. So hi to camera. Hey. Are you ready? Yeah. Ninja, return to center. It's rabbit ka naam hai. Return to center. So bahut hi acha rabbit hai. Maza aane wala hai. So be paddle hard. Hai. Forward. एक छोटा बच्चा जब अपना पहला कदम रखता है ना, तो उसके लिए वो फर्स्ट स्टेप जितना चैलेंजिंग होता है, उतना ही चैलेंजिंग हमें वो राफ्ट में बैठ के चप्पू चलाना और अपना पहला रैपिड क्रॉस करना लग रहा था। देखा ना तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर अंदर से डर था कि यार सबसे पहले तो मैं ही गिरूंगी। पर फिर भी एवरीथिंग वेंट स्मूथली एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। तो मैंने ना बहुत लोगों के मुंह से ये मिथ सुना है कि भाई राफ्टिंग बहुत ही जानलेवा है, और एक बार हम राफ्टिंग करने गए तो कभी वापस नहीं आएंगे, हम पानी में बह जाएंगे। आई डोंट नो, लोग ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कि जैसे वो पार्क में वॉक कर रहे हैं। कहने को राफ्टिंग एडवेंचरस और थोड़ी सी रिस्की एक्टिविटी तो है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हर रैपिड में एंटर करने से पहले हमारे गाइड हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और अगर आप लोग भी अपने राफ्टिंग एक्सपीरियंस को सेफली कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप भी अपने गाइड के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनें और उसे फॉलो करें। पहला रैपिड, दूसरा रैपिड, तीसरा रैपिड, और देखते ही देखते हमने 6 रैपिड सक्सेसफुली क्रॉस कर लिए थे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा लेवल पर पहुँच चुका था। लेकिन मोमेंट ऑफ ट्रुथ तब सामने आया जब हमारे गाइड ने हमें बोला, फिर जो हमारे गाइड थे ना, उन्होंने हमें एक रैपिड के सामने बोला कि चलो पानी में कूदो। रैपिड में ना कूदने से पहले थोड़ा सा डर था, पर कूदने के बाद जो रिलैक्सेशन मिली और जो मजा आया, लाइक तुम गंगा नदी के बीच में पूरे तैरते जा रहे हो, तैरते जा रहे हो, तैरते जा रहे हो, उसका तो एक अलग ही मजा है। राफ्टिंग करके आए हैं 16 किलोमीटर फ्रॉम शिवपुरी टू NINC बीच। एंजॉयड द राफ्टिंग अ लॉट, लाइक मैं बोल रही हूँ जिसे पानी से फोबिया है, मतलब बहुत बुरे वाला फोबिया है, बट आई स्टिल ट्राइड एंड इट वॉज वर्थ। हाँ, तो राफ्टिंग से रिलेटेड सबसे स्पेशल टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग वहाँ जाके जितना बार्गेन कर सकते हैं ना, आप उतना बार्गेन करिए, आपके लिए वही सबसे बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी राफ्टिंग बुक कर सकते हैं। ये हमारे गाइड थे और इन्होंने पूरे वक्त हमें गाइड किया, लाइक इनकी ही वजह से हम लोग पानी में नहीं गिर रहे हैं, मान के चल लो। तो आप सबको सजेस्ट करोगे ना राफ्टिंग, आगे ऋषिकेश आगे राफ्टिंग। जिंदगी ना सिर्फ कहने के लिए लंबी है, तो जब भी इसे जीने का मौका मिले ना, तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह रहा हमारा ऋषिकेश में राफ्टिंग का पूरा एक्सपीरियंस।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। अब हम लेते हैं आपसे विदा और तब तक के लिए टीम।